हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी मेरे दोस्तों। आज हमारी रेक्टिवेशन के लास्ट क्लास है, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस करी है उसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया एज पर आवर स्टडी मेटेरियल CMA फाउंडेशन स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कर लिए मेरे दोस्तों। और आपको ये पता है सर, मैं हर एक क्वेश्चन कराता हूँ स्टडी मैट का, क्योंकि पेपर जो है हमारा वो हमारे स्टडी मेटेरियल से ही आएगा मेरे दोस्तों। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने कितने क्वेश्चन थे हमारी बुक के अंदर और स्टडी मैट के अंदर, हमने वो क्वेश्चन करे या नहीं करे। लाइन से क्वेश्चन डाले थे, ऊपर नीचे भी नहीं करे मैंने। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमारी बुक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कहीं आपको लगे कि सर कोई और सब्जेक्ट की बुक हमें, और सब्जेक्ट के हमें क्वेश्चन करा रहे हैं। आपने देखा भी होगा जब आपने क्वेश्चन कराओगे कि भाई सारी बुकें हमारी मैच करती, ठीक है भैया। तो ऐसा करना, क्या कहते हैं, पहले एग्जांपल देख लो कि हमने करा नहीं करा, अब मैच कर लेना, ठीक है दोस्तों। पहले एक एग्जांपल क्वेश्चन, दो, सर आप एक एक चीज मैच करेंगे। देखो याद है ना हमने करा है, तीन चार पांच छह सात करके, ऐसे करके आपको क्या करना है मेरे दोस्त, एक बार जरूर चेक करना है कोई ऐसा क्वेश्चन जो छूट गया हो या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो हो गया हो, कहीं आपको डाउट हो रहा है कि भैया स्टडी मटेरियल में तो सर इस तरीके से आंसर है और आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है। प्लीज कृपया करके हमें इसको जरूर एक बार डिस्कस करिए। सर मैंने हर एक एक्सरसाइज के चार क्वेश्चन तो मैंने चारों लिए है मेरे दोस्तों। आज मुझे करवाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ध्यान से। देखो व्हेनेवर, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों, क्योंकि देखो 60 नंबर के हमारे पेपर के अंदर आएंगे और रेक्टिवेशन आएगा ही आएगा सर। कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक पेपर के अंदर रेक्टिवेशन ना आया हो। एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक में से होते हैं ये रेक्टिवेशन, एक में से एक है जो पेपर में जरूर पूछता है आपसे। व्हेनेवर एरर आर नोटिफाइड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे शुड बी रेक्टिफाई एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। भाई जब एरर नोटिस करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, कब रेक्टिफाई करते हैं भाई? देखो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, टाइम रेक्टिफाई करते हैं। विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू द एंड, अकाउंटिंग ईयर के एंड होने का वेट नहीं करेंगे, कर दो सही। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन एवर एरर आर नोटिस, जब एरर नोटिस होगा, जब एरर पता चलेगा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी, देट शुड बी रेक्टिफाइड, कब वो रेक्टिफाई करा जाएगा? तो बताइए सर, जब आपको एरर पता चल गया कि मेरी गलती है, देखो आज आपके, आज मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, चलो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, और मुझे आज पता चल गया अरे यार मैंने तो गलती कर दी, तो मैं आज ठीक करूँ या पहले एंड होने का वेट करूँ? सर आज ठीक कर लो, कोई वेट नहीं करना एंड होने का। ये लो भाई 20,000 टेंशन। सर ये तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम उसको रेक्टिफाई करेंगे, या आफ्टर फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, सर क्यों वेट करेंगे? तो ये तो खत्म हो गए, फाइनल अकाउंट तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया आफ्टर, और ये भी तो देखो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर साफ साफ दिया, देखो आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट बात ही खत्म होगी, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ही नेक्स्ट ईयर आ जाता है ये इन, अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट। भाई जब आपको, जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हो और उस टाइम एरर मिल जाता है तो उसी टाइम डिफेक्ट करना चाहिए या अकाउंटिंग ईयर का एंड करना चाहिए? सर अकाउंटिंग ईयर का एंड वेट नहीं करना चाहिए, जिस टाइम पर एरर मिला उसी टाइम कर दो। ये मत देखो कि भैया उसको प्रिपेयर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा जिस टाइम मिले उसी टाइम कर दो। अब वो स्टेजेस हो सकती है, वह मैंने आपको सिखाई, ठीक है, क्या समझ में आया आपको? हाँ जी। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला हो गया है, जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसको, पर करना एक बार जरूरी है, एक बार वीडियो देखना बहुत जरूरी है खाली, क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपको कोई चीज, मुझे पता है आपने कर लिया होगा मैक्सिमम टाइम, पर नहीं करा तो कर लोगे, आई नो कि आप कर लोगे, पक्की बात है, पर एक बार देखने में क्या हर्ज है बताओ। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, कब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? करेक्ट जनरल एंट्री पास ट्वाइस, नहीं ये हो जाएगा, एक जनरल एंट्री को दो बार पोस्ट कर दो, चार बार कर दो, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस तब इफेक्ट करता है जब वन साइडेड एरर होता है, टू साइडेड एरर में कभी भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। टू साइडेड एरर जब होते हैं, दो अकाउंट में जब गलती होती है, हमेशा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, मैच कर जाता है। कब मैच नहीं करेगा? जब एक एरर होगा वन साइडेड। क्रेडिट परचेज डेबिट टू द परचेज एंड क्रेडिट टू द कैश। अरे यार देखना भाई, मैंने क्रेडिट परचेज करी तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, तो मैंने कर दी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मेरे को यहाँ पर बताओ सर, अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू, मेरी एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज करिए, डेबिट टू परचेज अकाउंट और क्रेडिट टू कैश अकाउंट। मैंने, अच्छा
क्रेडिटर होनी चाहिए थी और मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये और ये इफेक्ट कहां हुआ? क्रेडिटर और कैश के अंदर इफेक्ट कहां हुआ मेरे दोस्त? क्रेडिटर और कैश के अंदर। ठीक है, तो ये करी तो अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस को बनाता हूँ मेरे दोस्त और यहाँ पर परचेज डालता हूँ, मैंने कहा 5000 रुपए का परचेज डाला, ठीक है 5000 की परचेज करी। अगर मैंने उधार पर खरीदा होता तो 5000 यहाँ आ जाता, ट्रायल बैलेंस 5000 हो जाता। अगर मैंने परचेज उधार पर खरीदा तो क्या देता? परचेज और क्रेडिटर आ जाता ना मेरे दोस्त, परचेज आ जाता 5000 रुपए का और क्रेडिटर आ जाता 5000 रुपए का, ये होता। बस हमने क्या करा, हमने क्या करा दोस्त, हमने क्रेडिटर में शो नहीं करा, हमने यहाँ शो नहीं करा क्रेडिटर, हमने कैश में दिखा दिया। अब कैश में दिखा दिया तो क्या हो गया? कैश कम हो गया। तो आप देखो भाई, परचेज बढ़ गया और कैश डेबिट साइड से कम हो गया, 5000 रुपए कम हो गया होगा। ठीक है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको उसको, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे को बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऐसे टाल दूंगा कि चलो भाई हो गया, नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। जब सीख रहे हैं ना कोई चीज तो अच्छे से सीखनी चाहिए, है ना मेरे दोस्तों। चलो भाई देखें एक बार, देख मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे ट्रायल बैलेंस से एग्री करेगा। देखो मेरे भाई, मान लो ट्रायल बैलेंस है, पहले मैं कुछ डिटेल भर देता हूँ उसके अंदर, ये डेबिट साइड क्रेडिट है, मैंने कहा मेरे पे कैपिटल है, टोटल भरता हूँ, मैंने कहा कैपिटल है मेरे पे 1,00,000 रुपए और सॉरी कैपिटल आती है क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए और मेरे पे कैश है दोस्तों 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये है मेरे पहले से है ये, ठीक है अभी मैच है। अब मैं यारी ट्रांजेक्शन करता हूँ, अब मैं यारी ट्रांजेक्शन करता हूँ और ट्रायल बैलेंस में मैं फिर एक और बनाऊंगा और एक और बनाऊंगा। मैंने कहा भाई कैपिटल मेरा कितना है, कैपिटल मेरा 1,00,000 रुपए और कैश मैंने कैश कैपिटल से कैश आया होगा 1,00,000 रुपए, बराबर है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब देखना ये ट्रांजेक्शन पास करता हूँ। देखो क्रेडिट परचेस करी मैंने, क्या करी क्रेडिट परचेस और मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट और क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट। मेरे को एंट्री पास करनी थी, मेरे को एंट्री पास करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री पास करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और मैंने क्या एंट्री पास कर दी, मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने ये एंट्री पास कर दी। अब मेरी गलत एंट्री पास होने से क्या हुआ, ध्यान देना, अगर दोस्तों मैं सही एंट्री पास करता तो मेरे यहाँ पे परचेज जुड़ जाता और परचेज का नेचर खर्चा होता है, तो यहाँ पर मेरा आ जाता, मान लेते कितना अमाउंट है यहाँ पर, अमाउंट नहीं दे रहेगा कोई बात नहीं, मान लेते 5000 रुपए का है, 5000 रुपए का, ठीक है अमाउंट नहीं दे रहा। तो मैंने कहा और फिर परचेज बढ़ गया और परचेज बढ़ने से मेरा क्रेडिटर भी तो बढ़ गए, उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ गए, कितने बढ़ गए, क्रेडिटर होती लायबिलिटी 5000 5000, तो बराबर आ गया, बराबर है मैच कर गया 1,05,000 1,05,000। अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने ये करा तो मैंने कहा भाई परचेज मेरी बढ़ गई 5000 से परचेज बढ़ गया, पर क्रेडिटर नहीं बढ़ाया, क्रेडिटर नहीं बढ़ाया पर कैश भी तो कम हो गया। अब 1,00,000 थोड़ा कैश है, अब 95,000 है, देखो अब भी बराबर आ गया। अरे देखो देखो जब विजुअलाइज होता है ना तभी समझ में आता है सही में, अगर मैं यही बात आपको ओरली समझाता आपको नहीं आता। देखो परचेज बढ़ा, डेबिट साइड बढ़ गई और कैश भी तो कम हो गया, डेबिट साइड घट भी तो गई, तो बराबर आ गया 1,01,00,000। हाँ हालांकि एरर है दोस्तों, गलती तो है पर ऐसी गलती जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ा, ट्रायल बैलेंस एग्री कर दिया। देखो मैंने दिखाया सही एंट्री ये थी, हमने गलत एंट्री ये थी, गलत एंट्री में भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, क्यों? क्योंकि परचेज बढ़ी, डेबिट साइड बढ़ा और डेबिट साइड ही घट गई। आ रहा समझ में? देखो अब यहाँ पर देखो यार ट्रांजेक्शन, मैंने कहा 5000 रुपए कैश पेड टू क्रेडिटर, अब मैंने क्रेडिटर को 5000 रुपए कैश पे करा, डेबिटेड टू द क्रेडिटर 500 रुपए, क्रेडिटर में 500 दिखाए और क्रेडिट कैश दिखाया 5000 रुपए। अब गलती करती मैंने बहुत बड़ी, अगर मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी तो मैं एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और एंट्री होनी चाहिए भैया 5000 5000 से 5000 5000 से, और मैंने एंट्री क्या कर दी भाई, मैंने गलती से एंट्री कर दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिटर में दिखाया 500 और कैश में लिखा है 5000। देखो ये लिखा है क्रेडिटर में कितना क्रेडिट करा है, डेबिट करा है क्रेडिटर को कितने से 500 से और क्रेडिट करा है कैश को कितने से 5000 से, तो भैया इसमें तो भाई ट्रायल बैलेंस एग्री हो ही सकता। ये देखो मेरी बात, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ये देखो मैंने क्रेडिटर मैंने यहाँ से नील कर दिया, क्रेडिटर मैंने यहाँ से नील कर दिया, क्यों कर दिया नील, क्योंकि मेरी क्रेडिटर की पेमेंट हो गई। अब मैंने कहा मेरा कैश भी तो गया 5000 से, तो मैंने कहा अपना कैश भी कम कर देता हूँ और ये कैश मेरा 95 हो गया। देखो मैच करिए ना, देखो सही एंट्री में तो मैच करिए 5,95 और 5,01,01,000। बट अगर मैंने गलत एंट्री करी, मैंने क्या करा भाई 5000 रुपए कैश कम कर दिया, कैश मैंने कितना कर दिया 95 था, मैंने कितना कर दिया 90 कर दिया, कैश को कितना कर दिया दोस्तों 90 कर दिया और क्रेडिटर को जो क्रेडिटर था उसको 500 से कम कराया। मान लो क्रेडिटर कितने से थे पहले, पहले से 5000 के थे तो मैं 4500 करा, भाई मैच नहीं होगा दोस्तों, समझे आप? क्रेडिटर को 500 से खत्म कर रहे हो और कैश पूरे से बढ़ा रहे हो। देखो क्रेडिटर पूरे खत्म करोगे और कैश पूरे से कम करोगे तब तो एग्री होता है, बट क्रेडिटर को कम लायबिलिटी कम कर रहे हो 500 से और कैश घटा रहे हो डेबिट साइड। देखो कैश क्या है, डेबिट नेचर का, डेबिट कम कर रहे हो 5000 से और क्रेडिट कम कर रहे हो सिर्फ 500 से, कैसे होगा सर मैच? मार रहा है आपको, इधर देखो कैसे मैच हुआ, क्योंकि क्रेडिटर भी लायबिलिटी क्रेडिट साइड भी 5000 से कम करी और डेबिट साइड भी 5000 से कम करी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एरर है जिसमें ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, मैंने कहा सी।
सी ये कह रहा है जिसमें ट्रायल बैलेंस चेक नहीं करेगा क्योंकि अमाउंट की गलती होगी दोस्तों, अमाउंट की गलती। डेबिट साइड में 5000 कम करा, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में 500 कम करा और क्रेडिट साइड में 5000 कम कर दिया सर, सॉरी डेबिट साइड में 5000 कैश में से 5000 कम करा और क्रेडिट साइड में 500 कम करा सर, पूरा 5000 कर दे तभी तो बराबर आता। ठीक है दोस्तों क्लियर है, देखो डिटेल में कराना ऐसी कोई बात नहीं है सर कि भैया वीडियो क्लासेस है तो भैया डिटेल में नहीं होगा, सब कुछ डिटेल में होगा। मेरे को हर एक चीज की बताया, मैं हर एक स्टूडेंट मेरे लिए एक ही है दोस्तों, चाहे वो फेस टू फेस में है चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में, मैं सबको चाहता हूँ कि भाई हर एक पास हो सर। अगर आप पास हो गए सोचो, आप सोचो जब आप पास हो गए फाउंडेशन में तभी तो इंटर में मेरे से ही कोर्स खरीदोगे। अगर मैं आपको ही बेकार पढ़ाने लग जाऊं, आपको क्या मैं हटाना छोड़ कि क्या करेंगे, पैसे तो आ गए मेरे पास, सोचो ना कि आप मेरे पे इंटर में आओगे कभी? नहीं सर नहीं, मैं क्यों चाहूंगा कि भाई मेरे स्टूडेंट मेरे से इंटर में ना पढ़े, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन मेरे से क्लियर करते हैं तो इंटर भी तो मेरे पास ही भरोसा रखेंगे सर। ये भरोसे वाली बात होती है, आपको मेरे पे भरोसा है, अगर मैं आपका भरोसा तोड़ दूं ना सर तो गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कभी नहीं होगा ऐसा कि मैं आपको गलत राह में ले जा रहा हूँ। ठीक है ध्यान दे, सेल टू शाम 500 रुपए नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा? शाम अकाउंट होगा, सेल अकाउंट होगा और शेयर अकाउंट एंड शाम अकाउंट या कैश, भाई दोनों हो जाएगा? नहीं आया समझ, दोनों हो जाएगा भाई। अगर मैंने शाम को कुछ माल बेचा तो एंट्री होनी चाहिए थी शाम अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं करी तो दोनों अकाउंट इफेक्ट करेंगे ना, शाम भी और सेल भी, सिंपल सी बात थी। तो एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग फ्रॉम वन ईयर टू अनदर अफेक्ट द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल या बोथ ए एंड बी। देखो एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग जो हमारा है दोस्तों, अब जब कैरी फॉरवर्ड करते एक ईयर से दूसरे ईयर में तो वो अनदर, तो इफेक्ट कहां पर करता है, कहां पर इफेक्ट करता है दोस्तों? मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बेसिक में जरूर पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया होगा, पर मैंने तो पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो देखो, कभी भी नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं होते, कभी नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी नहीं निकलता लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट कभी नॉमिनल अकाउंट का जब बढ़ाते हैं ना दोस्तों तो उसका टू बैलेंस बीडी सीडी नहीं निकल करते, सिर्फ दो के लिखते हैं, एक पर्सनल अकाउंट का बैलेंस बीडी सीडी लिखते हैं, एक रियल अकाउंट का। क्योंकि सोचो नॉमिनल तो हो गया खर्चे और इनकम, क्या आप ऐसे लिखोगे मेरा खर्चा अभी इतना बच गया? आप ऐसे कहते हो ना बैलेंस सीडी का मतलब क्या हुआ, इतना बच गया, तो मैंने कहा मेरे डेटर इतने बच गए, मेरे क्रेडिटर इतने बच गए, मेरी एसेट इतनी बच गई, तो रियल अकाउंट आ रहा है, पर्सनल अकाउंट आ रहा है, राम को इतना पैसा देना रह गया बच गया, पर खर्चा इतना बच गया, इनकम इतना बच गया, होता है कभी ऐसा? तो नॉमिनल अकाउंट के दोस्तों कभी भी बैलेंस नहीं होते, और जब नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस निकलते ही नहीं है लेजर अकाउंट में, पहली बात तो ये क्लियर होगी नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस की नहीं होती। जब एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे ना, कभी किसी भी नेचर का एक्सपेंस नेचर का अकाउंट बनाओगे, चाहे वो सैलरी अकाउंट है चाहे वो वेजेस अकाउंट है, आपने बचपन में बनाया होगा, वहां पर मैथ की टीचर ने कहा होगा सर दो तरीके, या तो बैलेंस बीडी निकालो सीडी, पर सही तरीका है सीडी निकालना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट की कभी बैलेंस बीडी और सीडी नहीं लिखते, चलो जब सीडी लिखेंगे तो बीडी कहां से आएगा, सीधा ट्रांसफर करते हैं लेजर पोस्टिंग में और बराबर कर देते हैं, बस टोटल कर देते हैं, जितना टोटल आ रहा है इधर का इधर, मान लो इधर 5000 है इधर 4000, तो वही लिखते हैं, कभी भी सीडी बीडी नहीं होता। ठीक है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, इसलिए ध्यान देना नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं होते तो एक ईयर से दूसरे ईयर ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसलिए क्या बचे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ये बातें आपको बहुत समझ में आ रही है, बोथ एंड बी द राइट आंसर, समझ में आ रहा है दोस्तों? सोचो आप खुद ही सोचो, खर्चे को कभी ऐसा बोलेंगे यार अभी 5000 खर्चा बचा है, खर्चा तो हो जाता है बचा क्या होता है, यार अभी 5000 की इनकम बची है, इनकम तो हो जाती है बची क्या होती है, ऐसे दोस्तों नहीं बोलते। ठीक है आ रही बात समझ में? हाँ ये जरूर बोलते हैं कि एसेट इतने की बच गई, 5 लाख की एसेट बच गई, क्रेडिटर इतने के बच गए, है ना, ये बोलते हैं दोस्तों। आ रही बात समझ में? ठीक, देखो गुड्स वर्थ 272 रिटर्न फ्रॉम लाला एंड प्रसाद थ्रू द 722 रेक्टिफाई द एंट्री, भाई गुड्स हमने रिटर्न करे, गुड्स रिटर्न बाय द लाला ने गुड्स रिटर्न करे, अब लाला गुड्स क्यों रिटर्न करेगा जब मैंने उसको माल बेचा होगा, तो एंट्री होनी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला शॉप, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों इस केस के अंदर, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला अकाउंट, टू लाला अकाउंट ये होनी चाहिए थी। अब मैंने एंट्री तो बिल्कुल सेम करी, मैंने देखो ध्यान देना सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कितना करनी थी 272 से एंट्री पास होनी थी, और मैंने एंट्री कर दी 722 से, 722 मैंने बढ़ा दिया कम कर दिया सर, बढ़ा दिया मैंने, क्या कर दिया सर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया अब मुझे वो देखना पड़ेगा कितना बढ़ा दिया, अब मैं भाई कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, चलो भाई ये लो जी, तो मैंने कहा भाई 722 माइनस 272 यानी 450 ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब क्या कर दो रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी रेक्टिफाई एंट्री, भाई लाला को क्या कर दो सर, लाला अकाउंट क्या कर दो सर डेबिट कर दो, और टू सेल रिटर्न, टू सेल रिटर्न कितने से कर दो खत्म, भाई जितना ज्यादा बढ़ा दिया तो उतना, मैंने कहा 450 से एंट्री पास कर दो, क्या बात समझ में आ गई, तो एंट्री होगी लाला डेबिट और सेल रिटर्न क्रेडिट।
लाला डेबिट, लाला विल बी डेबिट बाय 272, नहीं 270, 450 का लिखा है ये, लाला विल बी डेबिट बाय 450, 272 से कुछ हुआ ही नहीं। अभी मारा आपको आ गया ना आपको क्लियर, ठीक है ये तो सिंपल था। देखो इफ आर रिसिप्ट, इफ आर रिसिप्ट मेरे दोस्तों, एक मिनट, इफ आर रिसिप्ट 200 रुपए फ्रॉम राजेश, राजेश कौन था, डेटर था, बता भी रहा है, डेटर से कह रहा हूँ, डेटर से मुझे कुछ पैसा आना था, ठीक है, हैज नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड बी सो इंक्रीज डिक्रीज, क्या होगा प्रॉफिट में, क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर तभी इफेक्ट होता है जब खर्चा, एक्सपेंस, इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में गलती होती है। ये तो डेटर तो एसेट है, एसेट तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता ही नहीं, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता ही नहीं तो प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं होगा। तो डेटर में 1000 गलती कर दे, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, पर नेट प्रॉफिट तो वैसे का वैसे ही आएगा ना मेरे भाई, समझ रहे हो आप। तो नन ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर मेरे दोस्त, नन ऑफ दी अबव, अरे नन ऑफ दी अबव की कह रहा हूं मैं, ये तो लिखा नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, प्रॉफिट ना तो बढ़ेगा ना, नन ऑफ दी अबव मतलब तीनों से कोई भी नहीं, नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, यार लिखा तो है यहाँ पर कि ना ही प्रॉफिट बढ़ेगा ना ही घटेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर, एसेट से, एसेट में गलती होने से बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, ये तो गारंटी है, पर प्रॉफिट में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ना प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा। अगर खर्चा, इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता तभी इफेक्ट करता, प्रॉफिट बढ़ता घटता है ना। अब क्रेडिट परचेज ऑन 950 फ्रॉम सुधीर, तो सुधीर की एंट्री होनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको कि भाई सुधीर से हमने कुछ माल खरीदा तो एंट्री पास होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 950 से, और हमने रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक के अंदर, सिर्फ परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करी है, सिर्फ परचेज बुक के अंदर, तो मतलब सुधीर हमने ठीक करा है मेरे दोस्त, सुधीर में गलती नहीं हुई है, परचेज बुक में 590 दिखा दिया जबकि 950 आना था, सुधीर में कितना दिखा दिया 590 जबकि 950 आना था। एक मिनट में कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, अब कितना ज्यादा आएगा जरा बता दो, एक मिनट, ये मैं दिखा लेता हूँ आपके पास, कितना है भाई 950 माइनस कितना दिखाया मैंने 590, भैया 360 रुपए मैंने कम दिखाया परचेज में, मेरी बात सुन लो, यहाँ पर क्या लिखा है 950 रुपए से मैंने खरीदा माल सुधीर से, तो एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर 950 से, और वाज रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड करा परचेज बुक के इतना, तो सुधीर में कितना करा ये तो नहीं बताया, तो क्या निकालूंगे, मैंने क्या समझाया था, अगर किसी एंट्री के बारे में ना बताया तो माल लेना बिल्कुल ठीक करा होगा, सुधीर बिल्कुल ठीक है, सुधीर कैंसिल हो जाएगा, परचेज बुक 950 से दिखानी थी, आपने 590 से दिखाई, कम दिखाई और बढ़ा दो, परचेज अकाउंट विल बी डेबिट बाय 360 रुपए, बिल्कुल सही, समझ में आ गया नहीं आया, आ गया आपके पास, कह रहा है विच एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, कौन से ऐसे एरर है जो एक अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, ओनली वन अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, मैंने लिखवाया था आपको, बताओ सर, लिखवाया था सर, कास्टिंग टोटल हो जाए गलती या कैरी फॉरवर्ड में गलती, पोस्टिंग, ऑल ऑफ द थ्री, तीनों अकाउंट में एक एरर में गलती होती है सर, वन, ओनली वन अकाउंट, ठीक है। देखो इफ गुड वर्थ 170 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली एंटर इन अ सेल बुक, सेल रिटर्न बुक एस 1570, भाई गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हमने किसी सप्लायर को गुड्स रिटर्न करे, अरे सप्लायर को गुड्स रिटर्न करने में तो भैया परचेज रिटर्न होता है, एंट्री होनी थी, देखो गलती इतना घोर पाप कर दी इसमें गलती में, देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कौन सा आइए भाई, मैं ध्यान देना, अब गुड्स वर्थ इतने रुपए की गुड्स रिटर्न कर दिया टू सप्लायर को इज रॉन्गली, अब इस सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तो मतलब खरीदे होंगे तभी तो रिटर्न करे होंगे, तो एंट्री होनी चाहिए थी सप्लायर अकाउंट, क्रेडिटर लिख देते उसको, एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर, सप्लायर हमारा क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट है तो उसका रिटर्न क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न कितने का भाई 1750 का और 1750 का, अब गलती से इसको हमने सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया 1570, अब भाई क्रेडिटर को अभी भी ठीक करा, पर दिलची कहां दिखा दी, सेल रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न बुक डेबिट होती है, सेल रिटर्न बुक डेबिट होती है, अगर परचेज को सेल मान ली और भी कितना 1570, और यहां पर क्या दिखा दिया फिर क्रेडिटर दिखा दिया, देखो क्रेडिटर का तो कोई इफेक्ट करना भी नहीं है मुझे, क्रेडिटर तो मैं ऐसे काट देता हूं सर, ऐसे कैसे काट दिया, ये तो बराबर भी नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ कि नेट प्रॉफिट बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट रेक्टिफाई करने को नहीं बोला मेरे दोस्त, ये बता रहा है कि बढ़ा क्या, गलती होने से क्या बढ़ गया, देखो मैंने क्या करा, देखो मेरे को ये करना था, ठीक है ये करना था, मैंने ये नहीं करा, इसकी जगह पर ये कर दिया, तो सेल रिटर्न को मैंने बढ़ा दिया, क्रेडिटर छोड़, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं पता है, सेल रिटर्न बढ़ा दिया ना आपने, सेल रिटर्न कितना दिखाया 1570, सेल रिटर्न कितना दिखाया दोस्तों 1570, अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में बता दो मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, यहाँ लिखते हैं सेल और यहाँ लिखते हैं माइनस सेल रिटर्न,
कनेक्ट है सेल रिटर्न। अच्छा सेल रिटर्न बताओ, सेल रिटर्न क्रेडिट साइकिल को बढ़ाता है या कम करता है बताओ। सेल रिटर्न मैंने कहा 5 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है, इसमें सेल रिटर्न हो गया 50,000 रुपए, तो सेल रिटर्न बताओ बढ़ा रहा है सेल को या कम कर रहा है, इनकम को बढ़ाता है या कम करता है। सर इनकम को कम कर देता हूँ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या आएगा दोस्तों, कम आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय, ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय, अरे 3500 कहां से डिक्रीज हो जाएगा सर, गलत है, इन्होंने गलत कर दिया, 3500 से नहीं होगा, यहाँ गलती हो गई इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों, एक तो 1570 और एक 1750 जोड़ देंगे, 3320 आ रहा सर, कहां पर है ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय 3000, डी इज द राइट आंसर। आप मेरी बात समझना दोस्तों, देखो हमने एक तो सेल रिटर्न यहां से क्या करा, मैंने सेल यहां से क्या कर दिया दोस्तों, यहां से पहले तो मैंने इनकम कम कर, देखो समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझोगे तो नहीं आएगा, फिर मेरे से मत बोलना सर आपने ढंग से नहीं समझा, मैं तो ढंग से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। मैंने यहाँ पर मेरी मान लग सेल 5 लाख रुपए की है, मैंने यहाँ पर 1570 डाला और 1570 से मैंने अपनी इनकम क्रेडिट साइड को कम कर दिया, तो इस 1570 से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया होगा 1570 से कम हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि मैंने अगर क्रेडिट साइड को 1570 से कम दिखाया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इनकम भी तो कम होगी होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड तो इनकम होती है, और साथ में जो 1750 से मेरा अपना खर्चे को कम करना था, देखो यहाँ लिखता परचेज, क्या लिखता है यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ माइनस करता परचेज रिटर्न, क्या माइनस करता परचेज रिटर्न, और ये 1750 यहाँ पर माइनस करना था जबकि आपने ये कर दिया, और ये करना था, इससे क्या होता, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होता कि 1750 में अगर यहाँ डालता, 1750 अगर मैं यहाँ पर डालता तो इससे क्या होता मेरा, मेरा खर्चा कम होता। देखो 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 पर्चे मान लो यहाँ पर 50,000 है, 50 में माइनस करने के बाद आता ना तो मेरा खर्चा और कम हो जाता, ये नहीं डालने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया और खर्चा बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। हरी बात समझ में, मेरा प्रॉफिट कम हुआ या नहीं कर रहा, कम हुआ, तो अगर मैंने 1750 डाल देता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता मेरे दोस्तों, 1750 डाल देता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता दोस्तों, बढ़ जाता। तो दो वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एक तो अगर नहीं डालने की वजह से डिक्रीज हुआ और इसको गलत डालने की वजह से डिक्रीज हो गया, हुआ ना, तो 1570 से एक बार यहाँ गलत डाल दिया तब डिक्रीज हुआ, और ये डालना था आपने नहीं डाला, इससे मेरा खर्चा बढ़ गया और डिक्रीज हो गया सर मेरा, तो दो वजह से डिक्रीज हुआ, एक जो डालना था उससे प्रॉफिट कम होना, प्रॉफिट बढ़ना था आपने नहीं डाल के उसको डिक्रीज कर दिया। दोस्तों सुनो मेरी बात, परचेज रिटर्न डेबिट साइड में डालने से माइनस करने से मेरा खर्चा क्या होता, कम होता, और खर्चा कम होने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ता, सही है ठीक है। मैंने परचेज रिटर्न को माइनस नहीं करा, नहीं करा तो मेरा खर्चा बड़ा हो गया, अगर मैं 50,000 में से 1750 माइनस कर देता तो मेरा कम आता ना, तो प्रॉफिट बढ़ता, ये माइनस ना करने से मेरा 85 आया और उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, हुआ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ डालता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता, आपने नहीं डाला ना प्रॉफिट कम हुआ, तो एक वजह प्रॉफिट कम होने की, और दूसरा यहाँ पर उल्टा, एक तो आपने वहां ना डालकर प्रॉफिट कम कर दिया, एक बार यहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर नहीं डालने की वजह से परचेज रिटर्न नहीं डालने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, कोई खर्चा बढ़ गया प्रॉफिट कम हो गया, और उल्टा बेवकूफ ने यहाँ और कम कर दिया इनकम को, दो बार खर्चे, एक तो बेवकूफ को सेल रिटर्न को नहीं दिखाना था, एक तो क्रेडिट साइड उसने कब गति जानबूझकर 1570 से ठीक है एक ही कम कर दिया सीधा सीधा प्रॉफिट, एक जो परचेज रिटर्न डालनी थी जिससे प्रॉफिट बढ़ना था, बढ़ना चाहिए, परचेज रिटर्न डालने से प्रॉफिट बढ़ता है मेरे दोस्तों, क्योंकि परचेज रिटर्न डालने से खर्चा कम होता है प्रॉफिट बढ़ता है, वो नहीं डाला तो खर्चा बढ़ गया प्रॉफिट कम होता, दो वजह से प्रॉफिट कम हुआ, एक 1570 एक 1700 दोनों को मैं ऐड कर देंगे तो 3320 आएगा आई थिंक, कितना है फिर आइए, तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आती, नेट प्रॉफिट तो खत्म है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम कितना हो गया 322। समझ में आया कि परचेज रिटर्न को डालता, परचेज रिटर्न को अगर मैं वहां पुट करता तो मेरा खर्चा कम होता और प्रॉफिट बढ़ जाता, नहीं पुट करने से मेरा प्रॉफिट घट गया, 1750 से प्रॉफिट घटा, और उल्टा अगर भूल जाता तो 1750 से प्रॉफिट कम होता, मैंने कहा गलत एंट्री पास नहीं करता, अगर भूल जाता मान लो परचेज रिटर्न डाला भूल गया तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 1750 से घटता, पर बेवकूफ ने एक तो भूला नहीं उल्टा गलत कर दिया, और गलत करने से प्रॉफिट और इनकम साइड भी घटा था, तो दो बार प्रॉफिट कम हो गया, एक नहीं डालने की वजह से ये, और उल्टा डालने की वजह से ये, समझ में अब मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। 10th question देखना, बीच ऑफ फ्लोइंग एरर, फ्लोइंग इज वन साइडेड, कौन से ऐसे हैं वन साइडेड है, 500 परचेज फ्रॉम ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, भाई मैंने ओल्ड इक्विपमेंट खरीदा मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा ठीक है, एक ही हो गया, 500 बीइंग एन एक्सपेंस ऑन ट्रैवल एक्सपेंस क्रेडिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अब 500 मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एंट्री कर रही थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मैंने उल्टे से क्रेडिट कर दिया, सर बहुत है दोनों, एक मिनट यहाँ देखना ध्यान से सुनना, दो बहुत नहीं सर, बहुत नहीं, यहाँ तो एंट्री पास होनी थी ना, यहाँ तो एंट्री होनी थी, ओल्ड इक्विपमेंट परचेस करा रिकॉर्ड नहीं करा, रिकॉर्ड करेंगे ओल्ड इक्विपमेंट टू कैश, इधर दोनों अकाउंट में एरर हुआ,
देखो ना, मैंने ओल्ड इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट मेरी एसेट होती है, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पैसा जाता, और मैंने खरीदा तो पैसा जाता, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दो अकाउंट में एरर हो गया ना, दो, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था बुक्स अकाउंट के अंदर, तो दोनों अकाउंट एरर हुए, ओल्ड इक्विपमेंट में डाला, कैश में डाला। बट यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हमने क्रेडिट साइड में लिखा दिया, कैश के बारे में कुछ ना बताया तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 500 रुपए खर्चा करा, तो मैंने एंट्री होती ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, कैश नहीं बताया, कैश के बारे में गलती नहीं हुई, ये बताया ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो गलती एक अकाउंट में हुई, इसलिए 20 राइट आंसर, बहुत नहीं आएगा सर, 20 राइट आंसर। ऊपर वाले में तो वन साइड एरर है, टू साइड एरर है। दोस्तों ये कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल, एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल का मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, मतलब एग्री करेगा या नहीं करेगा, मतलब अग्री नहीं करेगा, कौन सा है ऐसा एरर है जो अफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को, अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, एग्री नहीं करेगा, कौन से ऐसी एंट्री में, मिस्टेक इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का बैलेंस को मिस्टेक करने पे गलती हो जाए, दूसरा ओमिटेड टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन एंटायरली इन सब्सिडियरी बुक, देखो अगर मैं पूरी ओमिटेड भूल जाता हूँ, पूरा भूल जाता हूँ, तो भैया ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, पूरी की पूरी एंट्री भूल जाता हूँ, ट्रायल बैलेंस पक्का एग्री करता है, वो आपको ही पता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ रॉन्ग एंट्री इन अ सब्सिडियरी बुक, गलत एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट एंड एंट्री ऑन अ करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट, पोस्ट एंड एंट्री ऑन अ करेक्ट साइड, एंट्री तो करेक्ट साइड में, अकाउंट करेक्ट साइड में एंट्री पोस्ट करी है, पर अकाउंट गलत कर दिया, राम की जगह मोहन कर दिया, मोहन की जगह शाम कर दिया। अब ऐसे हम नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन को पढ़कर हम नहीं बता सकते दोस्तों कि भैया, पर ये हमें अजम से क्या पता भाई, ऐसा हो सकता है कि भाई राम जो है हमारा डेटर है, ठीक है, अब इसने राम की जगह पर श्याम कर दिया, अगर श्याम डेटर हुआ तब तो कोई फैक्ट नहीं कर गया, तो गारंटी है, पर अगर श्याम क्रेडिटर हुआ तो कर जाएगा भाई, मैं कैसे पता लगाऊं, इसलिए मैं अजम्पशन माननी पड़ेगी, एज पर बुक मुझे अजम्पशन माननी पड़ेगी कि देखो भाई जो आपने अकाउंट की गलती करी है ना, वो राम और श्याम वो दोनों डेटर होंगे या तो क्रेडिटर होंगे, ऐसे अजम्पशन माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तो ए इज राइट आंसर, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई बैलेंसिंग अमाउंट गलती, बैलेंस तो एग्री नहीं होगा, जब बैलेंसिंग का अकाउंट का कोई बैलेंस ही हमने गलती कर दी, 5000 आना तो हमने 4000 ले लिया एक अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में सही लिया, तो भाई गलती होगी, तो ए इज राइट आंसर। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ अ रॉन्ग एंट्री ना सब्सिडियरी बुक, एंट्री ही गलत कर दी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एंट्री गलत होने के चांसेस क्या है, तो भैया इसके अंदर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन ही सारा बेवकूफ बनती है, समझे आप सर, रिकॉर्डिंग ऑफ अ रॉन्ग एंट्री ना सब्सिडियरी बुक, अब सब्सिडियरी बुक पर रॉन्ग एंट्री करी, अब मैं बता दो भाई कौन सी ऐसी एंट्री नहीं है जो रॉन्ग एंट्री में, भाई वन साइड एरर हो सकता है, टू साइड एरर हो सकता है, अगर वन साइड एरर हुआ तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा तो पता है, पर अगर टू साइड एरर कर दिया तो रॉन्ग एंट्री में, ये भी तो सकता है टू साइड एरर हो, सर ये तो बता नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं सर भाई, मान के चलेंगे, क्या मान सकते हो भाई, पेपर में आ गया तो कैसे मानेंगे भाई, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको रटो, इस क्वेश्चन में कोई चांस ही नहीं है, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं ना कि भाई अगर मैंने पोस्टिंग करी, पोस्टिंग या तो ऐसा करो, इस आंसर को ही चेंज कर दो, क्वेश्चन को ही चेंज कर दो, क्योंकि दो चीज में ऐसा लग रहा है, तीन चीज में ऐसा लग रहा है, देखो तीन चीज में ऐसा लग रहा है, देखो एक इसमें तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, एक इसमें भी ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये वन साइड एरर हुआ, रॉन्ग एंट्री पास करी, और वन साइड एंट्री वन साइड एरर हुआ तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर पोस्टेड एन एंट्री ऑन अ करेक्ट साइड में एंट्री तो पोस्ट करी बट इन अ रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में गलत, अब वो गलत अकाउंट अगर सेम नेचर के हो तो ट्रायल बैलेंस एग्री गल जाएगा, क्योंकि डेटर हो तो गलती डेटर में हुई है, तो डेटर तो बढ़ जाएगा, राम की जगह शाम दिखा दो, पर दिखा दो डेबिट साइड में ही, ओमिटेड इन अ रॉन्ग ट्रांजेक्शन एंटायरली इन अ सब्सिडियरी बुक, भूल गया तो यहाँ ट्रायल बैलेंस एग्री गल जाता है, यहाँ पर लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, यहाँ लिख दो विच ऑफ द फॉलोइंग एरर नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओमिटिंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंटायरली इन अ सब्सिडियरी बुक, पर सर सर छोड़ो क्यों चेंज करना, आप इस क्वेश्चन को आपको क्या करना, इस क्वेश्चन में ये लिखना, ये दोनों चीजों को आपको अजम्पशन माननी पड़ेगी कि भाई ये पहली जो सी है, ये जो रॉन्ग एंट्री करी है, ये टू साइड एरर हुई है, ठीक है, तब एग्री कर जाएगा ट्रायल बैलेंस, और पोस्टिंग एंड एंट्री ऑन अ करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट, और जो रॉन्ग अकाउंट में गलत पोस्ट करा है वो सिमिलर नेचर के अकाउंट है, डायरेक्ट डेबिट जाते थे, वो एक अकाउंट डेबिट जाता है दूसरा भी डेबिट जाता है, एक अकाउंट या तो क्रेडिट जाता है दूसरा भी क्रेडिट, ऐसे में गलती करिए, डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं करिए, ठीक है, तो ए इज राइट आंसर, ये अजम्पशन आपको रटना थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, मैंने तो बता दिया, चलो सिंपल सी बात है, आपको भी दिख रहा है सर, ये हम कैसे पता लगाए कि रिकॉर्डिंग जो रॉन्ग एंट्री है वो सिंगल वन साइड है, अब यहाँ पर बेवकूफ ने लिख दिया मैंने रॉन्ग एंट्री सब्सिडियरी बुक के अंदर रॉन्ग एंट्री पास कर दी, मैंने गलत एंट्री पास कर दी, अगर वो गलत एंट्री दो अकाउंट को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, वो दोनों हट जाएगा, ट्रायल बैलेंस एग्री, अब रॉन्ग अमाउंट भी हो सकता है, रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या हुआ, अमाउंट में गलती, अकाउंट में गलती, रॉन्ग एंट्री का तो मतलब यही होगा ना, अमाउंट में भी हो सकती है, अकाउंट में भी हो सकती है, पोस्टिंग में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, अब उसमें तो पूरा एक्टिवेशन आ गया, इनको लिखना नहीं आया दोस्तों, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता है इसके अंदर,
विच ऑफ द फॉलोइंग, पर यहाँ मुझे साफ साफ दिखा कि मैंने इसको एक पॉइंट इसलिए लिया कि भाई बैलेंसिंग अगर गलत कर दी तो भाई ट्रायल बैलेंस तो चुपचाप ही है कि भाई ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करना ही करना है। भाई टोटल एक जगह 5,000 दिखाया, एक जगह 4,000 दिखा दिया, भाई बैलेंस मैच नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, बार बार देखना विच ऑफ दिस एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, कौन सा ऐसा एरर है ऑल ऑफ दिस, ये तो भी पढ़ा था। विच ऑफ द एरर टू और मोर अकाउंट, कौन सा ऐसा एरर है भाई दो ऑल ऑफ दिस, ये तो ऐसी है कि DDS के अंदर ऑल ऑफ दिस ऑल्सो आप देख रहे हो सब कंप्लीट ओमिशन प्रिंसिपल पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तो यार आपको आता होगा, देखो ये साफ दिख रहा है। इंस्टॉल कराए न्यू प्लांट, तो प्लांट अकाउंट डालना चाहिए आपने, ट्रैवल एक्सपेंस में डाल दिया सर, बीज राइट आंसर, ये दिख रहा है सर साफ 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 दिख रहा है। सर वेजेस को सैलरी में डालना, सर वेजेस पे एक्सपेंस होता है सैलरी पे एक्सपेंस होता है, ये कोई एरर प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल होता है कि जो एसेट बनाना था अपने एक्सपेंस मान लिया, या एक्सपेंस बनाना था अपने एसेट मान लिया। रॉ मटेरियल खरीदा परचेस करें डेबिट अकाउंट, तो सर ये भी सेम है, रॉ मटेरियल भी खर्चा होता है परचेस भी खर्चा होता है। राम श्याम की जगह पर राम डाल दिया, और यहां मैं मानूंगा कि श्याम और राम सिमिलर नेचर के नेचर के है। ठीक है, अब श्याम की जगह राम भी तो पर्सनल नेचर का है ना, प्रिंसिपल का ये दिख रहा है। देखो प्लांट का इंस्टॉलेशन करा, एसेट में जाना चाहिए था, प्लांट अकाउंट में बढ़ना चाहिए था, आपने टैलिंग एसेट माना था, आपने खर्चा मान लिया, कैपिटल माना था, आपने रिवेन्यू मान लिया। 15 200 रुपए पेड एज अ वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, भाई मशीन को इरेक्ट करा मतलब बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है मशीन को, थोड़ा बढ़ाया है मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाया, और जो मशीन की कैपेसिटी बढ़ाती है सर वो हमारा कैपिटल या नेचर होता है, वो मशीन कॉस्ट में ऐड होता है। इरेक्शन वर्ड जब भी आया तो समझ लेना कि मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, अब उसमें जो खर्चा हुआ उसमें जो वेजेस पे करे वो वेजेस में नहीं जाएगा, वो कोई रिवेन्यू में नहीं जाएगा, वो मशीन में जाएगा। बेवकूफ, वेजेस दिया है और यहाँ पर एक भी वेजेस अकाउंट में दिखा, अब एक में तो फर्नीचर तो हो नहीं सकता, कैपिटल तो हो नहीं सकता, रिपेयर कहां से होगा, जब रिपेयर कराया नहीं तो वेजेस कराया ना, वेजेस आना चाहिए था, तो वैसे ही बेवकूफ है, देखो पिन का भी दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक से पहले मैं आपको ये कराना चाहता हूँ, सर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के मैचिंग। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी के मैचिंग देखो साफ साफ आंसर दे रहा है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, वो एरर जो एक इफेक्ट एक पर ये आता नहीं है जो कंपनसेटिंग एरर, पर वो क्या मैंने सिखाया था ना एक बार आपको कि एक गलती और दो गलती आपस में, दोनों गलती आपस में अपने एरर को इफेक्ट खत्म कर देते हैं, नल इफेक्ट नली कर देते हैं, दोनों की गलती को आपस में, मैंने गलती करी, आपने गलती करी, हम दोनों ने मिलकर गलती करी, आपने जो गलती करी वो मेरे लिए ठीक हो गया, मैंने जो गलती करी वो आपके लिए ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, कंपनसेटिंग एरर। सीधा राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन अ क्रेडिट साइड और वाइस वर्सा, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में डाल दिया, क्रेडिट को डेबिट में आ गया, देखो मैच कर गया, सेम अकाउंट से सीधा राइट आंसर आ रहा। नहीं मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कंपनसेटिंग एरर में। एरर ऑफ ओमिशन बता दो सर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन कौन है, नॉट रिकॉर्डेड आप बिजनेस ट्रांजेक्शन, भाई बिजनेस में कोई भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करी, ये आपके पास हो गया पहला, ये आपके पास हो गया दूसरा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, देखो साफ साफ तो दिख रहा है, और क्या बताएंगे इसमें आप आगे। एरर ऑफ कमीशन क्या होगा, टोटल में गड़बड़ होगी, द एरर विच डू नॉट डिस्क्लोज इन अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं करा, ठीक है ये तो आपका पांचवा हो गया, और टोटलिंग जब करते हैं आपका चौथा हो गया, खत्म। देखो क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर कौन सा एरर होता है पहले तो समझ दो सर, क्लैरिकल एरर कौन से एरर हुए ये समझे आप, सामने देखे दोस्तों मैं आपको ना पेज पे लिया है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के पेज पे लाया है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर सिखाया था, मैंने आपको कहा था चार टाइप के एरर होते हैं दोस्तों, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनी, जब एरर ये तीन होते हैं ना, इन तीनों को क्या नाम देते हैं, क्लैरिकल एरर, बस यही बताना था और क्यों कुछ भी नहीं है। मैंने बस आपको ये नहीं बताया कि दो पार्ट में एरर को, हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एरर को दो पार्टों में बांटा है, ताकि हर बुक में चार भाग में, हमारा इंस्टीट्यूट अलग ही है, एरर को दो भागों में बांटता है, और मैं गलत नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट को, होता है एरर, क्लैरिकल एरर भी होते हैं, वो ऐसा एरर होते हैं जो नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, ठीक है, जो ओवरलुक की वजह से, गलत देख लिया था, गलत ध्यान समझ लिया, नेग्लिजेंस इग्नोर कर दिया, ठीक है। देखो एक एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसा होता है मेरे दोस्त कि वो नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हो, वो हमारी वजह से, हमारी वजह से इन द सेंस कि हमें पता नहीं होता, हम इग्नोर नहीं कर रहे उसको, हमें पता ही नहीं है, हम भूल दिमाग नहीं लगा पाए कि वो इंस्टॉलेशन प्लांट का, प्लांट की प्लांट अकाउंट में जाना चाहिए, ट्रैवलिंग में नहीं जाना चाहिए, एरर प्रिंसिपल। बाकी जो एरर ओमिशन है, एरर कमीशन और कंपनी, ये हमारे नेग्लिजेंस की वजह से होता है, गलत सोचने की वजह से होता है, गलत समझने की वजह से होता है, इसी को क्लैरिकल एरर कहते हैं, बस यही समझाना था। अब मुझे बता दो क्लैरिकल एरर क्या होता है, मैं आपको वापस वहीं जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ाया सर, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी तो नहीं पढ़ाया होगा मैंने आपको, बिलो क्वेश्चन में आ गए कहाँ, दूर ले आया हम लोग, ये आपके पास भाई, या या या, या।
अब क्लरिकल एरर क्या हो गए, एक होता है एरो प्रिंसिपल, एक होता है क्लरिकल। क्लरिकल के तीन पार्ट होगा, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। तो ये किसकी वजह से होता है, क्लरिकल एरर का सी पार्ट देखो आप, मैं क्या बोला था, एरर राइजिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस और ओवरलुक, गलत सोचने की वजह से, गलत समझने की वजह से और इग्नोरेंस की वजह से ये एरर होते हैं। एरर इज मेड इन कैरी फॉरवर्डिंग, एरर इज मेड इन कैरी फॉरवर्डिंग। जब हम एरर होता है कैरी फॉरवर्ड करते टाइम, तो एरर विच आर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, एरर विच आर डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि हमारा जो एरर है, हमारा जो एरर है अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते एक पेज से दूसरे पेज में या एक ईयर से दूसरे ईयर में कैरी फॉरवर्ड और वहां गलती कर देते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है कि एरर भाई हो गया, ठीक है, एरर आर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें बता देता है कि ये एरर हो गया कैरी फॉरवर्डिंग वाला। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एरर कमीशन बताओ तो क्या होगा, एरर कमीशन एरर ओमिशन क्या होगा, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पार्टली, भूल गए आधा रिकॉर्ड करा आधा नहीं करा, एरर कमीशन। या एरर प्रिंसिपल क्या हुआ, जब हमने एरर प्रिंसिपल, बताओ सर एरर कमीशन, यहां आपको कुछ गड़बड़ देगी। एरर प्रिंसिपल के अंदर कह रहा है एरर प्रिंसिपल विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय, हाँ कह सकते हैं नॉट डिस्क्लोज। एरर प्रिंसिपल से जब हम सिद्धांतों का गलत यूज करते हैं, प्लांट में डालना चाहिए, ट्रायलिंग में डाल दिया, रिपेयर में डालना था, अपनी मशीन अकाउंट में डाल दिया, तो सब वो दोनों चीजें डेबिट नेचर के होते हैं, प्लांट भी और रिपेयर भी डेबिट नेचर का होता है। प्लांट असेट है डेबिट नेचर का और रिपेयर खर्चा डेबिट नेचर का। अगर मैंने खर्चा करा प्लांट को इंस्टॉल करने में तो प्लांट अकाउंट में जाएगा, और वहां पर ट्रैवलिंग में डाल दिया गलती से तो ट्रैवलिंग भी खर्चा, वो भी खर्चा है, तो ये डिस्क्लोज नहीं कर पाता ट्रैवल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता मतलब बता नहीं पाता कि एरर हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने बताया था एरर प्रिंसिपल एग्री करता है ट्रायल बैलेंस, एग्री का मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, एग्री हो गया, भर गया। और ये एरर ऑफ ओमिशन क्या हो गया, ये हो गया सी, अब ए हो गया, सॉरी सी कहां से हो गया, ए हो गया। और ये एरर ऑफ कमीशन क्या हो गया दोस्तों, ये वाला, इफ द एंट्री इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, दोबारा गारंटी पास कर दी तो खत्म हो गए। देखो ये तो समझने लायक था ही नहीं कुछ बातें, अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। देखो 500 परचेज और ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ ऑल इट वन साइड है, सर वन साइड क्या है, दो साइड है, तो ओल्ड इक्विपमेंट आएगा उल्टा और कैश आएगा फॉल्स है। देखो मैंने अभी उठाया था ऊपर आपको, मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग अ लायबिलिटी एज एन इनकम, लायबिलिटी को इनकम मान लिया, इनकम को लायबिलिटी मान ली, तो विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, पीएनएल अकाउंट जरूर अफेक्ट कर जाएगा। भाई लायबिलिटी को इनकम मान दो तो इनकम बढ़ जाएगी, क्या इनकम को जो लायबिलिटी इनकम होनी थी आपने लायबिलिटी मान ली, इनकम कम हो जाएगी, तो पीएनएल अकाउंट अफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ट्रू है। क्योंकि लायबिलिटी को इनकम मानो, इनकम को लायबिलिटी मानो, दोनों का नेचर क्रेडिट ही है। आप लायबिलिटी को इनकम मान लो, लायबिलिटी या क्रेडिट, और इनकम भी क्रेडिट। आपने कहा भाई इनकम 1,00,000 रुपए आना था, मैं 1,00,000 रुपए इनकम मानी थी, मैंने गलती से लायबिलिटी मान ली, तो गया तो क्रेडिट साइड ही, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रही है, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ पीएल अकाउंट जरूर इफेक्ट कर जाएगा। अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग और सब्सिडी बुक एग्जांपल ऑफ एरर कमीशन, बिल्कुल सही, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग एरर कमीशन होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रॉन्ग ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद अ रॉन्ग अमाउंट विद इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, भाई अगर आपने ओरिजिनल एंट्री को गलत करा और अमाउंट भी गलती कर दी, मैंने एंट्री गलत करी पूरी की पूरी, उसका अमाउंट भी गलत कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, बिल्कुल करता है एग्री, भाई इफेक्ट नहीं करता ट्रायल बैलेंस को, विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस नहीं दोस्तों। मैं समझाता हूँ आपको, देखो मैंने कहा भाई राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, राम अकाउंट, राम हमारा डेटर है, एक श्याम हमारा डेटर है, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू कैश करा 5,000 से करना था, मैंने श्याम को कैश कर दिया 6,000 से कर दिया, तो 6,000 गया दोनों डेबिट से क्रेडिट साइड में, तब भी देखो मैच कर गया। मैंने कहा मैंने मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश से मशीन खरीदी, मेरा कैश कम हुआ मशीन बढ़ गई, मैंने गलती से मशीन की जगह कर दिया, मशीन की जगह कर दिया फर्नीचर और कैश की जगह कर दिया बैंक, बात तो एक ही है, दोनों वही तो गया, अमाउंट भी गलत कर दिया, अमाउंट गलत के अंदर से वहां 5,500 डाला, यहाँ 10,000 डाल दिया, बस क्या होगा, मशीन अकाउंट अब भी 10 डेबिट साइड बढ़ेगा, अब भी डेबिट साइड कम हो जाएगा, उसको भी यही हो रहा था। अगर मैं मशीन खरीदू कैश से तो मेरी कैश कम होगा, मेरा कैश कम होगा मतलब डेबिट कम होगा और डेबिट ही बढ़ जाएगा मशीन। अगर मैं मशीन की जगह कर दू फर्नीचर और कैश की जगह कर दू बैंक, अभी भी कम, बैंक कम होगा मतलब डेबिट कम होगा और फर्नीचर डेबिट बढ़ जाएगा, बात देखिए इफेक्ट करा नहीं करा, नहीं करा। टोटल परचेज जनरल इज शॉर्ट 1,000 रुपए विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, भाई अगर परचेज बुक 1,000 से कम दिख रही है तो एक अकाउंट में गलती है ना, तो इफेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कह रहा नॉट इफेक्ट नहीं करेगा, फॉल्स है सर, करेगा। अगर वन साइड है परचेज बुक अगर 1,000 से कम है तो इफेक्ट कर जाएगा मेरे दोस्त। मिस्टेकिंग ना बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट विल अफेक्ट द एग्रीमेंट और ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही। जब भी बैलेंसिंग, अभी मैंने पढ़ा था कि जब बैलेंस और बैलेंस अमाउंट में अकाउंट किसी भी अकाउंट के बैलेंसिंग में गड़बड़ कर देते हैं, टोटलिंग या उसमें टू बैलेंस बीटीसीडी निकालने में गड़बड़ कर देते, तो अकाउंट अफेक्ट कर जाता है, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर जाता है, क्योंकि वही लेजर अकाउंट की जो बैलेंस होते हैं ना, टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, वही तो जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, इफेक्ट करेगा मेरे दोस्तों, सॉरी ये करेगा। एरर इन अ रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग ऑफ अ सेल डे बुक
विल नॉट इफेक्ट द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर। अबे यार सिंपल सी बात है, अगर आप सेल अकाउंट के टोटली में गड़बड़ करो तो सेल अकाउंट में इफेक्ट होगा, डेटर अकाउंट में इफेक्ट हो जाएगा। तो डेटर में क्यों होगा, क्योंकि सेल तो भाई कैश हो सकते, डेटर में तो होने नहीं। जब डेटर अकाउंट की टोटली में गड़बड़ हो तभी तो डेटर में गड़बड़ होगा, सेल में टोटली में करेंगे सेल में कैसे गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो इसका आंसर टू है कि अगर मैं सेल बुक के टोटल, सेल अकाउंट के टोटल को गलत टोटल कर दिया, टोटली उसी गलत कर दी, तो वो डेटर के अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा मेरे दोस्त। डेटर में टोटली गलत करोगे तब डेटर में, तो जिसमें गलती हुई है टोटली में उसी अकाउंट को इफेक्ट करता है। फुल ओमिशन डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही बात। जब चोरों का पूरा पार्टली ओमिशन इफेक्ट करता है, फुल ओमिशन बेसिक है पूरा का पूरा, मैंने आपको बेसिक में सिखाया है। द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक नॉट पोस्टेड इन एग्जांपल ऑफ एरर ओमिशन, नॉट पोस्ट समझ ही लो यार, पोस्ट ही नहीं करा तो ओमिशन है या नहीं है। एरर कमीशन परमिट द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, नहीं फॉल्स। हाँ ये फॉल्स कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई एरर कमीशन एग्री कर जाता है, ये कोई फॉल्स कहना भी सही होगा, बट मैक्सिमम जो एरर होते हैं कमीशन के परमिट ये दे देता है कि भाई ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, एग्री नहीं होगा। इसने कहा एग्री करेगा, मैंने कहा फॉल्स नहीं करता एग्री। पर कई एरर कमीशन, कुछ एरर कमीशन एग्री कर जाते हैं, मैंने आपको जिसमें दूसरा एरर होता है वो एरर कमीशन होता है एग्री कर जाते हैं, तो ये कहना भी सही होगा, ट्रू भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है भाई एरर कमीशन। बट क्योंकि हमारा सिटी मैट कहता है कि अगर बात एरर कमीशन की आए और जब पूछा जाए कि भाई एग्री है नहीं करता, तो मैक्सिमम जो चीजें होती है ना एरर कमीशन के अंदर वो एग्री नहीं करती है। हमारा क्यों गलती इस तरीके से होती है, जब टू साइड एरर हो और सेम ऑन से हो तब एग्री करता है, अदरवाइज नहीं करता, तो आप फॉल्स लिखना है, ठीक है। अभी अनइंटेंशनल ओमिशन, अनइंटेंशनल गलती से भूल गए, कमीशन और कमीशन और अमाउंट एंड अकाउंट इज प्रोसेस अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन आर नोन एज एरर। अरे यार एरर की डेफिनेशन जा रहा है, ये तो समझ लोगे। इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री डिफरेंस इज पुट इन अ सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल सही। अरे सही तो है, सस्पेंस तो हैगा, अब ये क्या करो सामने आंसर दे रखे। इफ एन एरर इफेक्ट, इफ एन इफेक्ट ऑन एरर इज कैंसिल एन इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर इज कॉमनली नोन एज, अगर एक गलती की वजह से दूसरी गलती आपस में कंपनसेट कर लेती, कैंसिल कर लेती है इफेक्ट को, खत्म कर देती है, तो कंपनसेटिंग एरर होता है। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट सर कैन बी टेस्टेड पीरियोडिकली ऑफ द प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, तो सही बात है यार, इक्वल ऑफ इक्वली ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी टेस्टेड पीरियोडिकली बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस ही क्या होता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी दिखा, बताया था ना मैंने पहला लेक्चर एक्टिविज़न का, कि ट्रायल बैलेंस बताने का मतलब ये होता है कि वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी देता है, पर हर चीज में सही नहीं है, इसलिए हम एक्टिविज़न करते हैं। पढ़ो मेरा बेसिक, इट इज इजी टू डिटेक्ट एरर देन फ्रॉड। फ्रॉड कहां से आ गया, ये लो पढ़ा रहे क्या हम, फ्रॉड सर इजी। अबे एरर गलती एक धोखा, सर धोखे को डिटेक्ट कर सकते हैं, अब धोखा कहां से आ गया भाई इधर, ये सर ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, खा बका की चीजें यहाँ पर डाल रखी है। कह रहा है इट इज इजी टू डिटेक्ट एरर, एरर को डिटेक्ट करना आसान है, वो फ्रॉड का ठान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में आना बताएंगे आपको फ्रॉड में कितना आसान है, फ्रॉड हो गया ना, ऐसे 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 पेनल्टी लगाई है ना फ्रॉड की कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। चलो ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, नहीं, फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर खरीद चुके हैं उसके बाद जितना भी खर्चा होगा, एक मिनट रुक जाओ, परचेज कर रहे हैं, खरीदा नहीं है, ऑन परचेज, परचेज करते टाइम ओल्ड फर्नीचर परचेज कर रहा हूं मैं, ओल्ड फर्नीचर परचेज कर रहा हूं, इसके परचेज करने में ओल्ड फर्नीचर पुराना था, मिले तो नया ही है, ओल्डों के लिए पुराना है तो मिले तो नया ही है, मैं तो नया खरीद रहा हूं, अब मैं रिपेयर कराए, तो खरीदने से पहले जितना भी खर्चा होगा वो फर्नीचर अकाउंट मशीन के उस अकाउंट में जाता है, एसेट अकाउंट में, ठीक है, तो बिल्कुल सही, एसेट अकाउंट होगा। पर अगर मैं परचेस कर लेता उसके बाद जाकर रिपेयर कराता तब ये रिपेयर अकाउंट में जाता। अब क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू द परचेस बुक विल बी डेबिटेड, विल बी इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्रेडिट सेल अगर आप गलत परचेज में डाल दोगे, सेल को परचेज मान लोगे तो इफेक्ट तो करेगा भाई, परचेज बढ़ जाएगी, सेल हमारी इनकम होती है और हमारा खर्चा होता है, इनकम बढ़ाने के आपने खर्चा बढ़ा दिया, इफेक्ट ही करेगा, करेगा भाई, ये आप खुद करोगे होमवर्क। कास्टिंग इज एरर ऑफ टोटलिंग, ये तो पता ही है नॉर्मल है, कास्टिंग क्या होता है टोटल का, जब टोटलिंग में एरर होता है तभी कास्टिंग कहते हैं। ये वाला सर सर ये आप खुद करोगे सर, ये मैं नहीं करूंगा, थर्टिंग खुद करना, ये भी आप खुद करना। ट्रीटिंग रिवेन्यू एक्सपेंस एज अ कैपिटल एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल सही, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ही होता है रिवेन्यू को कैपिटल मान लेना। द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू द सस्पेंस, ये ऊपर भी था, ट्रायल बैलेंस में दो भी डिफरेंस है, सस्पेंस डाल दिया, ये कर लोगे ना 10-13 बार, अगर कोई प्रॉब्लम आगे मैसेज कर देना भाई, मुझे बेफिक्र होकर मैसेज करना, बेफिक्र होकर। रेक्टिफाई एंट्री इज पास जनरल प्रॉपर, बिल्कुल सही, रेक्टिफाई एंट्री कहां से पास करेंगे, जनरल एंट्री में पास करेंगे, जनरल प्रॉपर होता है सब्सिडी बुक के अंदर, लास्ट में जो बुक होती है जनरल प्रॉपर, उसमें क्या करते हैं जो ऊपर बुक्स में नहीं होती वो जनरल प्रॉपर में एंट्री पास हो जाती है, एंट्री तो हुई एक तरीके, ये होमवर्क करना, ठीक है। एंड ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक ही क्वेश्चन करा दिया, एक ही चीज करा दिया, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बेफिक्र होकर आप सब पूछो, छोटी से छोटी बात भी आप सब पूछ लो,
पर सर अगर प्रॉब्लम तो ज्यादा ही बड़ी है तो वो मैसेज में सॉल्व होना थोड़ा प्रॉब्लम मुश्किल हो जाता है। फिर मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, पक्के बताऊंगा, प्रॉब्लम 100% आपके लिए जाएगी, टेंशन मत लेना। कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज तो करें एक बार कि सर मुझे बता दे। आप ये मत सोचो कि सर मेरा बेसिक कमजोर है, बेसिक अगर आप खुद पीछे हट रहे हो प्रॉब्लम बोल रहे हो सर मैं कैसे पता लगा दूं, मेरा मन थोड़ी ना, मैं जानता तो ना किस भी बच्चे को प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। पर्सनल नंबर आपके पास हमेशा रहता है मेरा, पूछे तो जानबूझ का पर्सनल नंबर देता हूँ मैं आपको, कि बच्चे ये ना समझे कि यार पर्सनल नंबर नहीं दिया सर ने तो भाई प्रॉब्लम किससे पूछे, मेल से द्वारा। मेल का बहुत से टीचर जो होते हैं मेल से प्रॉब्लम कहते हैं, मेल में प्रॉब्लम पूछो, बच्चा मेल लिखे या प्रॉब्लम पूछे अपनी, सीधा मैसेज करो या वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दो, ठीक है प्रॉब्लम पूछो लगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, एक्टिवेशन क्लोज, न्यू चैप्टर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।